जनपद बलिया से इस वक्त की खबर सामने आ रही है। यूपी के बलिया जिले के रस्सा विधानसभा 358 के सम्मानित मतदाताओं से उमा शंकर सिंह ने तीसरी बार मांगा आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश बलिया जिले के 358 विधानसभा से बसपा प्रत्याशी उमा शंकर सिंह ने एक दर्जन गांव में तूफानी दौरा कर सभी लोगों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। वहीं समाजवादी पंकज सिंह ने लोगों से अपील की कि ऐतिहासिक जीत दर्ज कर प्रदेश में रसरा का नाम हो। समाचार ए टू जेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। मलयालम की गाड़ी में दो लाइन स्वागत की आईने आज देखा जाए तो कई दर्जन युवा जो है अपने नेता के स्वागत में खड़े हैं, क्या मामला है पूरा? देखिए बिल्कुल मुझे भी यही लगता है कि मैंने सुबह उठा तो यही पता चला कि नहीं हमारे यहाँ कोई नेता आने वाला है। तो राजनीति को लेकर मुझे मतलब बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर सही मायने में अगर पूछा जाए, अगर किसी नेता को अगर देखा जाए तो मैंने शुरू से ही विकास के पद पर उमा शंकर सिंह जी को देखा है। और उमा शंकर सिंह को वोट देने के साथ साथ मैं सभी अपने ग्रामवासियों से यही नम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप मतदान जरूर करें और सही विकास के रास्तों को देखते हुए सही जनता प्रतिनिधि को चुने का काम करें। धन्यवाद। चलिए हमसे जुड़ने के लिए बात करने की बहुत समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हम यादव है तो उसी को हम सोच रहे कि हम राजभर हैं तो हम संघीय पार्टी को वोट करेंगे। 3 तारीख बीत जाएगा, कोई फिर आपके बीच में आने वाला नहीं है। अभी 3 से पहले ही जरा देख लीजिए, अभी सब पूजा हो रहा था, मैं सारे पंडालों में घुमा था, जहां मैं नहीं जाता था अपने छोटे भाई को भी जाता। मैं उन पंडालों में जाकर पूछता था कि बच्चों से बेटा इस बार तो तुम लोगों को बहुत अच्छा होगा, सारे नेता होंगे, चंदा दिए होंगे, तो सब कहता था कि नहीं कोई नेता नहीं आया। हम गए कभी बताओ 3 तारीख अभी वोट होना बाकी है, अगर इस समय भी तुम लोगों की गुलाफी से कोई नहीं आ रहा है बेटा तो किसी वोट हो जाएगा ही तो कुछ झाकने तक नहीं आएंगे। और वैसे भी आप जानते हैं, दोनों दल के लोगों को जानते हैं, दोनों दल के लोग अकेले यही कहते हैं कि हमारे पार्टी वाले हमको बलि का बकरा बना दिए। वो तो अपना परिणाम जानते हैं कि हमारा परिणाम क्या होना है, लेकिन उसके बाद भी आप उनके परिणाम को सोचे बिना अपना वोट अगर गड्ढे में डालेंगे तो बेचारा कहां से मना करेंगे। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं दे पा रहा हूँ, बोलने में भी थोड़ी लगातार बोलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं केवल आग्रह करूंगा आप सबसे इस बार आप लोग एक रसना में इतिहास बनाइए। भाई आप देख लीजिए, क्या कभी किसी ने सोचा था कि रसना इस तरह से विकसित होगा, इस तरह सुंदर होगा? लेकिन नहीं, क्या कभी आपने सोचा था? लोग कहते हैं कि उमा शंकर क्या करते हैं, अरे मैं तो पौधों को पानी देने के लिए बोरिंग करा रहा हूँ, उसमें सरकारी नहीं है बताइए। हम तो कह रहे हैं कि तमाम इसमें पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बलिया जिला नहीं भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश के नहीं भारतवर्ष में किसी एक नेता का नाम बताइएगा, किसी एक बड़े उद्योगपति का भी नाम बताइएगा। मैंने रसना में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए जब भी बात उठती थी तो मैं रसना में मेडिकल कॉलेज जब भी हाउस बैठता था विधानसभा सत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने का हमेशा बात उठाता था और सरकार के पास एक ही जवाब आता था कि जमीन नहीं मिल रही है, सरकार जमीन खोज रही है। इस बार के हाउस में मैंने तो लास्ट में हाउस बैठा था, इस बार के हाउस में मैंने ऐलान किया हाउस में खड़ा होकर के अगर सरकार को जमीन नहीं मिल रही है तो मैं अपनी हमारी रचना में 30 बीघा मेन रोड पर जमीन है, अब मैं सरकार से कुछ उस हाउस में बोलना सरकारी प्रॉपर्टी हो जाती है, उसे भाग नहीं सकता। मैंने बोला कि वो 30 बीघा मेरी खरीदी हुई जमीन